हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सब लोग। मैं हूँ आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आवाज़ में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया, वही आवाज़ है, क्योंकि कल रात प्रोग्राम में और तकली आवाज़ निकालनी पड़ रही थी, फुल ध्यान से तो अब और बैठ गई है। तो अब मजलिस शुरू हो गई है हमारे यहाँ की 23 चैनल की। मैं दिखाता हूँ आपको, लोग आ गए सब, देख लीजिए सामने लोग आके बैठ गए हुए। अंदर मजलिस चल रही है इमामबाड़े में। जब वो इमामबाड़ा भर जाता है तो बाहर पब्लिक बैठने लगती है, और मौलाना साहब की भी आवाज़ आ रही होगी, तो इस वजह से सॉरी मेरी आवाज़ में दम नहीं है अभी। और अब चल के पूरा रूटीन आपको दिखाता हूँ क्या क्या होगा, और अभी खाना भी होगा जब प्रोग्राम पूरा वाला मजलिस का ख़त्म हो जाएगा, वो भी दिखाऊंगा आपको। सो गाइस, घर की मजलिस हो रही है और अली भाई अभी तक सो रहे हैं, कम से कम 10 मिनट से उठा रहा हूँ इन्हें। अली भाई उठ जाओ, ये देख लीजिए अली भाई का। अली भाई उठ जाओ, अली भाई ए सी के आगे आराम से सो रहा है बिल्कुल। जब कोरमा रोटी चालू होगा जब उठेगा ये। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। عليك من السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين गाइस। यहाँ पे खाना बनता था जो आज मजलिस के बाद खाना खिलाया जाएगा सबको, यहाँ पे खाना। तो अब खाना चालू करवा दिया, बिरयानी चालू हो गई है रही। बिरयानी की डिशें खुल गई है सारी ये रही। सबको दे दो, सबको उधर देख लो। चम्मच से दे दिया चौका। पानी पियो, दस बार तो तो गाइस अभी जस्ट आए हम रात के प्रोग्राम के लिए फ्रूटी वगैरह लेने। ये भाई की दुकान है, यहाँ पे हम वो ले रहे हैं। भाई ये होलसेल की दुकान है ना, एजेंसी है पूरी होलसेल की, तो यहाँ से हम सामान उठा रहे हैं। आमिर भाई अंदर बात कर रहे हैं पेमेंट इन सब की। इधर पूरा ये रखा हुआ है, क्या कहते हैं, स्टिंग वगैरह लाहौरी जीरा, ये सब सामने। तो अब यहाँ से सामान लेके और फिर फल फ्रूट वालों से ही बात करनी है, उसके बाद घर पे जाके अपना प्रोग्राम, खाना वाना सब निपट गया था, तो उसके बाद जाके अब नहा धो के प्रोग्राम की तैयारी करनी है, और यहाँ से अब ये सामान पहुँचवाते हैं घर पे। सो गाइस इधर आ चुका है सामान जो आज जारत में बटेगा। आप अजट बहुत बढ़िया काम करते रहो। ये पूरा सामान अभी अनलोड हो रहा है यहाँ पे, और अब पता नहीं ये केले आ चुके हैं अपने, इधर फ्रूटी है। लगते रहो शाबाश, लगते रहो। गाइस अभी सारा हमारा सामान यहाँ पे आके रख चुका है, थैंक्स टू आमिर भाई। ये सब आप मौला आपको और दे। सबीले इमाम हुसैन की तैयारी है जी। आप जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी दर्शक देख रहे हैं, वो जरूर आए रात में, और यहाँ पे सबीले इमाम हुसैन का हमारी तरफ से छोटा सा एहतमाम किया गया है जी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए जी, और सभी में से तबर्रुक नोट फरमाए जी, और हमारे सब मोमिनीन के लिए, रज़ार के लिए दुआ करें जी जी, और इमाम का जरूर जल्द से जल्द उसके लिए दुआ करें जी जी। तो भाई अंदर ज़ियारत बन रही है, वो जब ज़ियारत बन जाएगी जब आपको दिखाऊंगा मैं। उधर कैब भाई खड़े, कैब भाई।
सो गाइस ज़ारत सच चुकी है पूरी। इधर जुहैर भाई खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं, उधर अली दुआ मांग रहा खड़े होके। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, दुआ मांगीजिए मौला से। ये ज़ारत है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, मौला हुसैन के जो भाई थे उनकी ज़ारत है ये। ये देख लीजिए ऐसी पूरी ज़ारत बनी है, ज़ारत माशाल्लाह से बहुत अच्छी। सो गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको बाहर से जो हमारा चौक में से ही देख सकते हैं आप, शामियाना लग चुका है इधर पूरा, पब्लिक जा रही है अंदर ज़ारत चूमने। गाइस पब्लिक आने स्टार्ट हो गई है घर पे, 12 बजे का टाइम था ज़ारत उठने का, आप देख सकते हैं हल्के हल्के पब्लिक आ रही है इधर इधर। अब जब ज़ारत उठेगी जब आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ज़ारत उठ के अब आ चुकी है बाहर, आमिर भाई, तवंगर भाई, आकिल मामू और सब भाई पकड़े गए हैं ज़ारत। और सामने स्टार्ट हो चुका मातम, सब ज़ारत घर से बाहर जा रही है चौक में। सो गाइस अभी मैं आपसे मिलवाता हूँ इमरान भाई को, जिन्हें आपने पहले वाले व्लॉग में भी देखा होगा, तो वो इस ज़ारत को, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बोलेंगे। बोलिए आमिर भाई। यो इमरान भाई, ये ज़ारत 40 साल से कम चौक से उठ रही है, इमाम हसन की ज़ारत है जो 23 चेहलों को हमें हर साल उठती है। ये बाकर दादा थे हमारे, उन्होंने इस ज़ारत को ईजाद करा था। और ये नोहों की ज़ारत है शिकारपुर की, ये पहली ज़ारत ऐसी है जिसमें नोहे पड़ते हुए जाते हैं, और ये बड़ी शान और शौकत से चौक से होती हुई और ऊँचे पर जाके ख़त्म होगी। इनमें नोहे खानी बड़ी ज़बरदस्त होगी, मातम सीना जनी होगी, आप लोग इसकी ज़ारत करें। तो गाइस ये 40 साल पुरानी ज़ारत है, मतलब कदीमी उठती आ रही है। और बाकिर दादा मतलब मेरे दादा हैं, ग्रैंडफादर, और सलीम हैदर मेरे वालिद साहब हैं। तो नंद भाई चलिए मातम कर लेते हैं। चलिए जब मुझे जी
अभी जस्ट यहाँ पे ज़ारत आई है, सब खामोश है, इसलिए हल्के बोल रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे जस्ट ज़ारत आई है, मतलब जहाँ पे रूट ख़त्म हो जाता है पूरी ज़ारत का, तो वो यही है। आपको मैं दिखाता हूँ हल्का सा अंदर से। यहाँ पे ज़ारत का रूट ख़त्म हो जाता है। अब जब दफन हो जाएगी जब दिखा दूँगा थोड़ा बहुत, फिर ब्लॉग को एंड करता हूँ। पब्लिक पूरी बाहर खड़ी है गाइस दफन के लिए, जितनी भी पब्लिक है और ये सब बाहर खड़ी हुई है अभी। और यहाँ पे शांति है, इसलिए मैं हल्के बोल रहा हूँ, आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं हल्के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी दफन के टाइम पे सब चुप रहे थे। तो गाइस अभी जस्ट हम दफनने से आए हैं, अली भाई ये रहे, मोहम्मद वोरा, शान भाई वोरे, आमिर भाई अभी अंदर गए हैं। तो गाइस अभी दफन में से आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, सब खैरियत से सब निमट गया और अल्हम्दुलिल्लाह तबरुक जितना हमने वो करा था सब पूरा हो गया। लूटा भाई, लूटा। ये देखो ये क्या कर रहा है, क्या बर्बादी कर रहा है, पानी की बर्बादी कर रहा है गाइस। इसके मतलब सुनना बोलना सोना दोनों बंदे, इसका साउंड बेस वो देखो शानू भाई। तो गाइस बस ब्लॉग को ही एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।